से अक्सर सवाल किया जाता है कि जब हमें नई बैकोई खरीदनी है तो कौन सी खरीदें मार्केट में वैसे तो सबको एक ही नाम पता है बट कुछ और भी गाड़ियां हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं जब से सी बी फोर या बी एस फोर नॉम्स आए हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में तब से सबने इंजन में कुछ ना कुछ ट्विक किए सबके इंजन कुछ ना कुछ अलग हुए अब आज के इस वीडियो में हमारे साथ है महिंद्रा का अर्थ मास्टर एसेक्स अब महिंद्रा के अर्थ मास्टर एसेक्स के बारे में क्या वो बातें हैं जो इसको अलग बनाती हैं क्या वो चीजें हैं कि महिंद्रा कहता है कि अगर अड़तालीस घंटे में अगर हम आपकी मशीन को वापस नहीं लेके आगे ब्रेकडाउन ठीक नहीं कर पाए तो हम आपको एक के हिसाब से पेमेंट करेंगे या फिर ये कहते हैं कि इतना जो है कम खाती है तो क्यों खाती है अच्छी बातें करेंगे पॉजिटिव भी बताऊंगा नेगेटिव भी बताऊंगा केबिन कैसा है देखेंगे इंजन कैसा है आगे पीछे चीज़ें कैसी हैं ग्रीजिंग पॉइंट के सब कुछ बात करेंगे ए टू जेड कीमत भी बताऊंगा डाउन पेमेंट कितना है माइलेज कितना देगी क्या कुछ चीज़ें इसमें हैं हम इसको लेके चलेंगे ट्रांचिंग ग्राउंड पर या तो चला के दिखाऊंगा मैं खुद चला गया आपको अपडेट करके दिखाऊंगा कि कैसी क्या चलती है क्या सारी चीज़ें तो ए टू जेड अगर आपके मन में जरा भी एक बैक हो लेने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए है या आपको बिल्कुल भी इफॉर्मेशन चाहिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो आपने आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो फ्री है आपके लिए वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर सकते हो वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे चलिए हम शुरू करते हैं इसके फ्रेंड्स से और जानते हैं इसके बारे में एट टू जेड चीज़ दोस्तों जब आगे के लोडर की अगर हम बात करें महिंद्रा अर्थ मास्टर के अंदर तो वन वन क्यूबिक मीटर का आता है काफ़ी बढ़िया एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री की कैपेसिटी है आठ टीथ इसके अंदर लगे आठ दांत इसके अंदर लगे होते हैं इसके अलावा और भी हैवी अगर आपको करवाना है जरूरत है तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ देखोगे आप तो ये री है प्लेट्स वगैरह आती हैं दूसरी बात इसका जो स्कूप है वो ज्यादा का है अगर यहाँ कोई बकेट आपको टाइप कोई लोडर का टाइप तो अलग लगाना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो बाकी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जब ये यहाँ से जो आपके पिंस वगैरह लगाए हैं ये बहुत बढ़िया लगाए हैं इसमें दो पंप का यूज़ करते हैं एक सिंगल पंप वगैरह अब इसमें कोई वैसा नहीं है इससे क्या होता है स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया बनती है दूसरी बार जब हम इसको डंप करते हैं तो दोनों तरफ से इक्वल डंप होता है और जब चीज़ों को टीयर आउट करता है तो पीछे की तरफ जो जर्क आता है वो ये दोनों पंप आसानी से झेल के कन्वर्ट कर लेते हैं जहाँ फ्रेम पर ये वेल्ड किया गया है वो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको री इन्फोर्समेंट दिखेगा ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाली बिल्डिंग है जो सब लोग यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ सब कुछ अंदर में बाहर कुछ भी नहीं है जिससे कि प्रॉब्लम आए और दूसरी बात ग्रीसिंग वगैरह इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है ये देखो प्लेट्स वगैरह में जहां इन्फोर्समेंट का जरूरत लगता है वहां वहां री है और अगर आप फ्रेंड से देखने की कोशिश करोगे कि तो पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर पे सपोर्ट है वो बहुत ही सॉलिड और रोबस्ट दिया गया है ये कमाल की चीज़ है महिंद्रा का लोगो मिलता है और ये पूरा का पूरा ग्रिल है ताकि आप यहाँ पे अंदर रेडिएटर में हवा जा सके इसका रेडिएटर पहले से बड़ा हुआ है ताकि गाड़ी जो है वो ठंडी रहे इंजन जो है वो कंपेरेटिवली ठंडा रहे पहले से और अगर हम पीछे से बात करें तो ये आपको जो पैरालेलोग्राम दिखेगा ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट में काम आता है जब ये आगे पीछे आता है इस वाले हाइड्रोलिक पंप के मोमेंट से तो बहुत ही बढ़िया सिमेट्री बनती है

काफ़ी टाइम तक चल जाएगा अगर आप एक साइड पर पूरी बार एक डीजल फिल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी बात इसमें यहाँ महिंद्रा के टेली आते हैं अब महिंद्रा के टेली आने से फायदा ये होता है कि कब इसमें कितना डीजल भर रहा है और किस लोकेशन पे भर रहा है कितने लोग किस लोकेशन पर यह खाली हो रहा है अगर इसमें पाँच लीटर से ज़्यादा एक साथ डाउन होता है कोई चोरी होती है तो वो भी आपको आई एम टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल जाता है डीजल को अब यहाँ से डीजल कैप पे लॉक दिया हुआ है तो डीजल सिंगल की ऑपरेशन है पूरी गाड़ी का अलग अलग चाबी नहीं है दूसरी बात यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो डीजल वगैरह यहाँ से पूरा की चाबी वगैरह के थ्रू काफी बड़ा एक डीजल टैंक है दूसरी बात डीजल टैंक पे जो फुट स्टेप्स दिए और ये देखो क्लीन करने में काफी आसान होगा काफी बढ़िया इसका डिजाइन तो महिंद्रा ने ओवरऑल किया हुआ है हैवी ड्यूटी एग्रीगेट्स है आप अगर यहाँ से देखो तो ये जो हॉर्स की अगर आप देखो कपलिंग बहुत बढ़िया है उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा मेटल का है ताकि जितना भी पीर प्रेशर रहे वो इसके अंदर आसानी से आ जाए आप चाहे इसमें मेन पंप देख लो चाहे रिटर्न पंप देख लो और रिटर्न पंप में भी एक पच्चीस माइक्रोन का फिल्टर आपको देखेगा ताकि हाइड्रोलिक ऑयल जब गाड़ी में रिटर्न होता है तो वो उसके हिसाब से हो और अगर हम केवन के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंट में देखो यहाँ पे दो लाइट्स हेडलैप्स हैं और इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इसका एयर फिल्टर जो है अंदर दिया है तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती जब मैं केबिन में बैठ के चलाऊंगा जब मैंने गाड़ी ऑपरेट करी थी तब उसके बारे में बताऊंगा तो वो चीज़ें बाकी दोनों तरफ ऊपर आपको हाइड्रोजन हेडलैप्स मिलते हैं देखने में कोई दिक्कत नहीं होती वाइपर पर भी डबल सपोर्ट है और वाइपर बहुत बड़ा है जो हमारा पूरा शीशा है उसको बहुत ही बढ़िया साफ़ वो वाइपर करता है और काफ़ी सहूलियत यहाँ पे ओवरऑल गाड़ी में रहने वाली फेंडर्स वगैरह जो है उसके फाइबर के आते हैं काफ़ी सही है थोड़ा तो टच वच हो गया तो बैंड वैंड ये हो जाते हैं और आ, मुझे अच्छे लगते हैं बजेंगे नहीं आवाज़ नहीं आएगी इनके अंदर से दूसरी बात यहाँ पे आपको दो तरीके के टायर का ऑप्शन मिलता है अभी इसमें हैवी ड्यूटी टायर लगाएँ चौदह पच्चीस के इसमें टायर लगे हुए और ये बढ़िया काम करते हैं मतलब एक हैवी ड्यूटी वर्क के लिए बाकी इसमें आपको चौदह नौ अट्ठाईस के टायर का ऑप्शन भी मिल जाता है एक्सेल पीछे का होता है एक्सेल के बारे में तीन चीज़ें हैं जो बताता हूँ एक्सल इसका तीन पार्ट में होता है मतलब दोनों तरफ के जो पहीयों वाला पार्ट है वो अलग है बीच में जो आपका आ, क्राउन पिनियन वाला पार्ट होता है वो अलग है अगर मान लो क्राउन पिनियन में कुछ खराबी आती है तो आपको ऐसा नहीं दोनों तरफ का ऑयल चेंज कराना पड़ेगा वो एक बहुत बड़ा इसमें पॉजिटिव है कि अगर इधर वाला है इधर वाला ब्रेक शू खराब हुआ है इधर वाला हमें ट्रांसमिशन ऑयल बदलना है तो इधर वाला अगर हमें एक्सल ऑयल बदलना है तो वही बदलेंगे दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो अगर आपकी गाड़ी तिरछा काम कर रही है आपने कोई ऐसी साइड है यहाँ पर आपकी गाड़ी तो ऐसा नहीं है कि ऑयल एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और एक तरफ जो है वो खाली चलेगा मतलब वहाँ पर ग्राइंडिंग हो सकती है तो ये बहुत अच्छी चीज है तो एक्सेल को तीन पार्ट में बनाया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है अगर स्टेबलाइजर्स की बात करें तो स्टेबलाइजर्स का जो हमारा नीचे वाला प्लेट है जिस पर पूरी गाड़ी स्टेबल होती है वो चौड़ी है और इस चौड़ी होने के कारण ये गाड़ी बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो जाती है अगर आपका सरफेस उतना बढ़िया भी नहीं है थोड़ा आला तिरछा है तो वहाँ सही तरीके से आएगी हमने खुद इसको अलग अलग सरफेस पर स्टेबलाइज करके देखा इस दूसरी बात जो के पी सी इसका खिसकता है मतलब अगर मान लो उस तरफ से आपको लीड नज़दीक पड़ रही है इस तरफ से नजदीक पड़ रही है तो आप इसके पी सी के लॉक को अनलॉक करके आराम से इसको खिसका सकते हो क्या होता है कि जब इसका पूरी इस होएगा बैक होएगा जब लोड पड़ता है तो वो लोड क्या एक ही पॉइंट पे आना है वो लोड कहाँ है वो इस लोड इसके ऊपर है अगर इसके ऊपर लोड है तो इसको अगर हम पतला रखेंगे या चार बोल्ट पर रखेंगे तो प्रॉब्लम होती है तो महिंद्रा ने क्या किया एक स्मार्ट मूव किया है कि इसको बारह बोल्ट पर डाला है छः बोल्ट ऊपर है छः बोल्ट नीचे इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब ये क्रैच जो है ये लंबे चौड़े एरिया पे होता है मतलब देखो आप इसको इसका जो सरफेस एरिया जिस पर कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा है फायदा क्या होता है इसका इसको जो होल्ड करने की कैपेसिटी आप खुद सोचो कि जो चीज़ दो बोल्ट पे होल्ड होगी और छः बोल्ट पे बोल्ड होगी तो ये छह बोल्ट वाली ज्यादा यहाँ पे स्टेबल रहती है एक पार्ट तो इसका ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है दूसरी बात इसका जो वैल ब्लॉक है उसमें एक बहुत बढ़िया कमाल की बात है कि सैंडविच टाइप आता है अब सैंडविच टाइप से क्या मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जो वैल ब्लॉक है अगर उसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका लीक होता है मान लो इस वाला जेग का तो आपको पूरा चेंज कराने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ एक ही चेंज कराना जो कि मेंटेनेंस में आपको फायदा देगा इसके बाद में अगर हम बात करें इसके ग्रीसिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वेल ब्लॉक अंदर की तरफ आप देखो काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर दिया गया है और ये जो हॉसेस दिए गए हैं कितना भी ट्रैवल कर लें कितनी भी बार कर ले प्रॉब्लम नहीं आने वाली काफी बढ़िया डिग्री दोनों तरफ से घूम सकती है इनके अंदर जो ओरिंग्स वगैरह तक अगर डाली गई है तो वो भी बहुत बढ़िया अगर अंदर की तरफ आप देखोगे तो वो बहुत अच्छी चीज है दूसरी बात इसका हर एक पार्ट महिंद्रा बनाता है महिंद्रा का महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा ये नहीं है यहाँ से वहां से सामान उठाया इंजन महिंद्रा का है मशीन महिंद्रा का है सब कुछ महिंद्रा का इसके बाद में अगर हम पीछे की तरफ देखो तो ये इनके जो हॉसेस हैं वो मैंने पहले ही बता रखा है बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे जो इनके कनेक्शंस वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं पिंस को इन्होंने इम्प्रूव किया है केपीसी पी लॉक वगैरह भी अगर आप यहाँ पे देखोगे इम्प्रूव हुआ हैवी हुआ है फिर जो इनकी कमाल की चीज मुझे लगती है वही है कि इनका जो बूम है इस पूरे बूम का अगर आप डिजाइन देखोगे बनाना टाइप डिजाइन है तो कई बार क्या होते हैं हम फिल कर रहे होते हैं हम जब टिपर को लोड कर रहे होते हैं तो हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि ये टकरा तो नहीं रहा टकरा तो नहीं रहा है पर अब अगर आप इसका ध्यान से डिजाइन देखोगे तो इस हिसाब से इसका डिजाइन है ये टकराएगा ही नहीं तो ऑपरेटर को वो बार बार नहीं सोचना तो उसमें क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी मतलब बार बार अगर मैं सोचूंगा कि यार ये टकरा रहा है नहीं है तो सीधे आप बकेट भरो और डंप कर दो अंदर की तरफ तो ये सारा बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ऊपर की तरफ भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया चाहे रिटर्न लाइन हो उसमें भी पच्चीस माइक्रोन के आसपास का फिल्टर दिया था कि हाइड्रोलिक ऑयल सही रहे लंबा ड्यूरेशन तक चले और यहाँ पे भी अगर आप आर्म की बात करोगे तो आर्म भी बहुत बढ़िया है हम देसी भाषा में इसको तोता कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पहले सीधा आता था आजकल जो एल शेप है इसका वो बहुत अच्छा कर दिया है पिंस वगैरह सारी अंदर की तरफ इस तरफ आती हैं और इसका भी मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही कम निकलता है कोई प्रॉब्लम नहीं आता मल्टीपर्पज़ बकेट आती है तो पॉइंट्स टू सेवन क्यूबिक मीटर अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक कैपेसिटी है जो है कहीं कही ना कहीं एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी इस तरफ होती है अलग, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग, अलग अलग बकेट भी आप ले सकते हो जो आपका अगर कोई अलग एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप इसमें लगा सकते हो बिल्कुल अटैचमेंट्स महिंद्रा प्रोवाइड कर देगा आपको तो ये सारी चीज़ें एसेक्स का एक हमें वहाँ पे वो मिल एस का एक हमें स्टिकर मिलता है बीच में कुछ आप देखो तो थोड़ी बहुत आपको रिफ्लेक्शंस और टेप्स मिल जाते हैं जिससे कि गाड़ी की सेफ्टी बढ़ती है तो ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया ओवरऑल अगर आप देखोगे इसको तो कमाल महिंद्रा ने यहां पे किया हुआ है अब आगे की तरफ और मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे स्टेबलाइजर वगैरह पे देखो जिस तरह से जैक वगैरह लगाए फिटिंग बहुत अच्छी है केबिन स्पेशियस है विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है यहाँ पे देखा होगा आपने किसी का पेंटागोनल केबिन आ रहा है किसी का हेक्सागोनल केबिन आ रहा है कोई ऐसी इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश नहीं करी है सिंपल सा केबिन है ये वाली खिड़की खोलना है तो खोल लो वो वाला खोल लो पीछे से पूरा व्यू आता है तो और ये जो पिलर है इसको थिन रखा है थिन रखने का मतलब पतला रखने का मतलब कि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साइड से काम कर रहे हो मान लो कि मशीनियाँ आए नाली आप साइड में बना रहे हो तो आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बूम और आम के बारे में बैखो के बारे में एक कमाल की चीज है कि ये जो इसकी रीच है जो इसकी टोटल लंबाई है वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से डेढ़ से दो फीट ज़्यादा आती है मतलब ये जो है डेढ़ से दो फीट ज़्यादा खोद सकती है उसका फ़ायदा क्या है उसका फ़ायदा ये है कि आप अगर मान लो कोई नाली बना रहे हो अगर पैकों से काम कर रहे हो तो बार बार मूवमेंट करना पड़ता है बार बार मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा डेढ़ से दो फीट अगर आपके सोचो बचेंगे अगर दस घंटे का काम है आठ घंटे का काम है का तो आप दो, -दो फीट बचा के कितना बचा लोगे मतलब कितना ज़्यादा जो है उसमें सेविंग्स हो सकती है क्यों क्योंकि एक तरीके से वो अनप्रोडक्टिव काम है अगर मैं मार्च करता हूँ मैं बार बार स्टेबलाइजर उठाता हूँ मशीन को फिर थोड़ा आगे ले जाऊँगा फिर उसको सेटल करूँगा फिर आगे जाऊँगा तो वो प्रॉब्लम वाला काम होता है तो ये एक चीज़ इसमें बच जाती है सौ एक सौ दस लीटर के आसपास का हाइड्रोलिक टैंक है और इसमें जो है आपको जो पंप के अंदर का हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो चेंज नहीं करना होता है सिर्फ आपको जो हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना है वो इस टैंक के अंदर का करना होता है लगभग 50 लीटर के आसपास इंजन का जो कंपार्टमेंट है उसको पूरी तरीके से क्लोज किया गया है और आप देखो एयर फिल्टर वगैरह मैंने बताया था जैसे कि अंदर की तरफ है और इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इंजन जो है वो आपका चौहत्तर हॉर्स पावर का आता है इस इंजन के बारे में सबसे अच्छी बात है कि तीन सौ मीटर का टॉर्क आता है जिससे कि अगर एक कम आर पी भी आप गाड़ी को चला रहे हो बारह से लेकर पंद्रह सौ के बीच में आता है मतलब आपने जब गाड़ी शुरू करी ना तभी आपको मैक्सिमम ताकत मिल गई तो वो फिर फ्लो बना रहेगा हाइड्रोलिक फ्लो बना रहेगा तो ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं होगा तो चीज़ें क्या होंगी गाड़ी बेहतर एक माइलेज दे पाएगी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगी वैसे अगर इसको आपसे मेजर कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में चलाओ तो लगभग गाड़ी आधा लीटर से लेकर पौन लीटर पर घंटा कम खाती है ऐसा महिंद्रा क्लेम करता है और हमने भी इसको चलावाया तो हमें भी ये फील हुआ कि गाड़ी जो है थोड़ा सा कम डीज़ल कंजप्शन है वो कितना एक्जैक्टली exactly वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि दो ऑपरेटर अलग अलग चलाते हैं अलग अलग दिमाग से अलग अलग आरपीएम पर बट इसका तो कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम मुझे लगा इसके बाद अगर हम बात करें तो गाड़ी में कोई ऐसी ऊट पटांग चीज़ें ऊट पटांग चीज़ करने की कोशिश नहीं की है ना ही करिए फूड वगैरह बढ़िया है यहाँ से आप करके आप इसके इंजन वगैरह की जांच पड़ताल कर सकते हो इंजन वगैरह चेक कर सकते हो वैसे गाड़ी जो है वो सी ई बी टॉम्स फोर के तहत आती है बी एस फोर के तहत आती है तो आपको सारा ओ बी डी पोर्ट के थ्रू मिल जाएगा तो ओवरऑल बाहर से ये सारी चीज़ें थी अगर हम बात करें गाड़ी में नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको ऑयल संप देखने को मिलेगा बीच में इसके ठीक पीछे ट्रांसमिशन लगा है सिंग्रो शटल ट्रांसमिशन ये है और उसके ठीक पीछे अगर देखोगे तो आपको तीन पार्ट में एक्सल दिख जाएगा छोटा सा ड्राइव शाफ्ट है जो कि गियर बॉक्स और पीछे वाले एक्सल को कनेक्ट करती है बहुत ही बढ़िया है और अगर आप फ्रंट एक्सल देखोगे तो सेंटर पेविटेड है ये वाला बीच में से जो है पूरा एक्सल झुलता है सोलह डिग्री तक इसका ऑक्सलेशन हो जाता है जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है और ये दोनों तरफ से इसी तरह से झूलता है ओवरऑल नीचे से आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीजें दिखेंगी दोस्तों क्या होता है मशीन में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो होती है ऑपरेटर की सीट और स्टेयरिंग व्हील अब अगर आप यहाँ महिंद्रा के इस अर्थमास्टर में देखोगे ना तो दोनों चीजें बहुत बढ़िया मतलब कंट्रोल्स और सेटिंग इसके अलावा जो सारे ताम होते हैं वो तो सिर्फ बंदे को कस्टमर को शोरूम तक लाने के लिए होते हैं बाकी यूज़ कितने होते हैं ये आपको बताएँ जो इसमें मेन यूज़ की चीज़ है वो आई है जो कि इसमें दे रखी है सबसे पहले हम ऑपरेटर के सीट के बारे में बात करते हैं अगर सीट के देखोगे आप तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो देखिए अगर जितना आपका हाइट है जिस हिसाब आप से आपको हाइट करनी है आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं सस्पेंडेड सीट है तो आप जहाँ भी इसको करोगे वहाँ ही लॉक हो जाती है उसके बाद में वन डिग्री रोटेशन ईजीली होता है काफ़ी बढ़िया फ्री मूवमेंट है काफ़ी अच्छा सा आप इसमें पैरों से जा सकते हो तो ये एक चीज़ बहुत ही बढ़िया आगे या पीछे के लिए और दूसरे इसमें मैं मोमेंट आगे पीछे का है तो काफ़ी कंफर्टेबल से सी सीट है बैक को भी आप इस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि जो आपका बैक एंगल है उसके हिसाब से मतलब सीट कम्प्लीटली एडजस्टेबल है इसके बाद में स्टीरिंग व्हील छोटा सा है और बहुत ही बढ़िया एक तरीके से कहेंगे स्टेयरिंग व्हील पकड़ने वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया लगता है बीच में ग्रिप वगैरह दे रखी है यहाँ पर आपको एक रोटेटिंग नॉब वगैरह दिया हुआ है इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका ट्रांसमिशन है फॉरवर्ड और रिवर्स मोड यहाँ सेलेक्ट होते हैं ये आपका फॉरवर्ड मोड है ये आपका रिवर्स मोड है बीच में ये न्यूट्रल होता है अगर हम बात करें मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो आपको फ्यूल दिख जाएगा गाड़ी में डीजल कितना है इसके बाद इंजन का टेमपेचर यहाँ दिख जाता है गाड़ी की स्पीड दिखती है दिख दिख दि, यहाँ किलोमीटर पर आर में दिखती है दिख दि, और ट्रिप दिख जाती है कि डीजल डालने के बाद अगर आपने इसको रिसेट किया कितना चला लिया गाड़ी टोटल कितनी चली हुई है वो आपको ओडोमीटर किलोमीटर दिखेगी जैसे आठ किलोमीटर ये गाड़ी टोटल चली है अब तक और आठ किलोमीटर का टोटल ट्रिप रहा है जब ये रिसेट करी उसके बाद किसी ने रिसेट नहीं किया अंदर ये न्यूट्रल मेन लैंप, लो ट्रांसमिशन ऑयल लो कूलेंट का टेम्परेचर वगैरह हाइट कूलेंट टेम्परेचर वगैरह बैटरी वार्निंग पार्किंग ब्रेक वगैरह और ये फोर क्रॉस फोर अगर आपका एंगेज है तो फोर क्रॉस फोर के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको ओवरऑल चीजें दिखती हैं तो ये है चारी की सारी चीजें इसमें कॉन्सोल के अंदर और काफी बढ़िया ऐसा कॉन्सोल एकदम दिखता है और एक बैक हो के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल कॉन्सोल है ऊपर की तरफ म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसमें आप अपना कार्ड लगा सकते हो पेनड्राइव वगैरह लगा सकते हो ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह इसमें चलता है मतलब मोबाइल में बात वगैरह भी आपकी इससे हो जाएगी काफी ठीक सा सिस्टम है बढ़िया साउंड करता है स्पीकर इस इसके प्लेसमेंट या साइड में दोनों तरफ किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज है ये एक पीछे की तरफ देखने के लिए मिरर दिया है जो कि काफी अच्छा बढ़िया ठीक ठाक वाइड है और आगे से भी आपको देखाऊँ तो बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी आती है यहाँ पे एयर फिल्टर जो आता है और इसका कॉम्पिटिशन वाली गाड़ियों में वो हटा दिया है तो देखने में आपको काफ़ी मदद करता है जब मैंने आपको गाड़ी समझाई थी तब भी बताया था वो चीज़ को और अगर आप यहाँ पे देखो तो चार स्पीड के गियर बॉक्स आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये जो गियर लेवल हो बहुत दूर हो मतलब एक किलोमीटर दूर हो ये आपके हाथ के रीच में जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि कई बार हम लोग ये चौथे से दूसरे में डायरेक्ट आने की कोशिश करते हैं इसके अलावा ये जो है आपका लोडर का कंट्रोल होता है ये लोडर को आप और डाउन करने के लिए होता है लोडर को ओपन एंड क्लोज़ के लिए यही होता है ये आपका मेन चाबी मिलती है जहाँ से आप इग्निशन ऑन और ऑफ कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे आपको आरपीएम दिखता है इंजन का और आर आरपीएम बहुत जरूरी है क्योंकि आप कितने आरपीएम पे काम कर रहे हो आपको पंद्रह सौ सत्रह सौ आर में काम करोगे सबसे सब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी उसके बाद ये आपका पीछे की लाइट्स के लिए है के लॉक के लिए हज़ार लैंप के लिए जब गाड़ी आपकी साइड वाइड में खड़ी है और आपको स्पॉट कराना है वो बाकी यहाँ पे बारह वोल्ट का चार्जिंग शॉकेट मिलता है जो कि हम एक चार्जर लगा के ऑलरेडी दो मोबाइल को एक साथ चार्ज कर रहे हैं गाड़ी में यहाँ बॉटल होल्डर आता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है यह पार्किंग ब्रेक वगैरह है थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह यहाँ मिलती है थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह

बहुत ज्यादा काम है और आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले ली तो वी एक्स वाला मॉडल लो एस एक्स वाले मॉडल तो उसमें जॉयस्टिक जो है दोनों के दोनों यहाँ आते हैं हैं एक्सकावेटर टाइप के आते तो उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी ये एक्चुअली मैनुअल होते हैं इसमें थोड़ा सा पावर है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमें फील होता है हाथ पे पेट अगर हम यहां की बात करें जो जॉयस्टिक्स आते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं दूसरी बात इस गाड़ी में कमाल की चीजिए एक लोग कहते हैं केबिन ऐसा है वैसा है देखो भाई केबिन को इस हिसाब से बनाए कि ऑपरेटर को सबसे सब ज़्यादा दिख सके और वो रात को नाली खोद रहा कोई भी काम कर रहा है तो अच्छे से कर सके तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ भी काफी ज़्यादा स्पेस है यहाँ से भी काफी ज़्यादा स्पेस है तो ओवरऑल स्पेस के मामले में जो एक विजिबिलिटी होती देखने का होता है नाइट में जब वो काम करेगा तो बढ़िया काम कर पाएगा कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आती है हालांकि इनके पास फिलहाल अभी तो कोई ए मॉडल नहीं है इसमें कोई ए मॉडल इनके पास नहीं आता दूसरी बात इसमें बैठने की जगह नहीं है मतलब आप कहीं ऑपरेटर ऐसे थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे दे रखी है वो है बस बाकी कुछ ऐसा प्रॉपर्ट बेंच गरा नहीं है और टूल बॉक्स की बात करूं तो टूल बॉक्स यहां आता है इसको जो है खोलना पड़ता है अंदर से खुलता है तो यहाँ पे आप अपने टूल पाने वगैरह रख सकते हो तो दोस्तों ये सारी बातें थी महिंद्रा के Artmaster SX के बारे में अब मैंने आपको वो सारी बातें बताने की कोशिश करी है जो मैंने फील्ड पे खुद चला के फील करी हमने ऑपरेट करके मशीन को फील करी और आप भी फील करोगे जब आपको मशीन को खरीद लोगे तब आ, मार्केट में आने वाले कॉम्पिटन से ढाई से तीन लाख रुपए आपको सस्ती मिलने वाली है और यू जो इस मशीन के यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन जो हैं वो कमाल के मुझे लगते हैं अगर आपके मन में इमीडिएटली इस मशीन को निकालने का नहीं है मतलब आपको इस मशीन को थोड़ा लंबा चलाना है तो आपके लिए मशीन बनी है दूसरी बात जब आप इस मशीन को खरीद लेंगे एक चीज़ का ध्यान रखो कि ऑपरेटर प्रॉपर टाइम पे ग्रीसिंग कर रहा है ग्रीसिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए जो रेगुलर मेंटेनेंस है बुशेस पिंस उनको ज़रा ध्यान से आप रखिएगा ऑपरेटर को ध्यान दीजिएगा वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और जब भी आप इसमें कोई पार्ट चेंज करते हो तो लोकल मार्केट में वेंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है महिंद्रा का एम टू ऑल है वहाँ पर आप जाओ वेबसाइट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे पार्ट नंबर वगैरह डालो आपको पार्ट मिल जाएगा वहाँ से ऑर्डर कर लो जेन्यून पार्ट्स लगाओ दूसरी बात इनकी जो वैन वगैरह भी जो डीलरशिप्स हैं वहाँ से आ जाती है आपकी साइड पर ही ऑन साइड सर्विस वगैरह देते हैं वो कराओ बाहर से कोई चीज़ मत कराओ आपको इस मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूसरी बात आप सोचो कि अगर डेढ़ से दो फीट की इसकी ज़्यादा रीच होती है पीछे वाले होएगी तो कितना ज़्यादा आपका मार्चिंग में टाइम बच जाता है इसकी मशीन की शिफ्टिंग कितनी ज़्यादा बच जाती इतना है इतना बढ़िया जो है फ्यूल बचा देगा आधा लीटर के या पौन लीटर के आसपास फ्यूल बच रहा है अगर आप 500 सौ भी बचा रहे हो घंटे में दस घंटे अगर मशीन चलती है तो पाँच लीटर भी बचता है तो ऑपरेटर का सैलरी तो आपका ऑलमोस्ट डीजल की जो बचत है उसमें ही निकल जाएगी तो ये सारी बातें हैं दोस्तों इसके बारे में अगर, अगर आपको मशीन खरीदने नीचे एक महिंद्रा का टोल फ्री नंबर आ रहा है वो मैंने इसलिए दे दिया कि आप सब लोग इंक्वायरी करोगे वहाँ जाओ आराम से मस्त अपना फोन वन लगाओ पिन कोड वगैरह बताओ वहाँ से फोन वन आएगा कोटेशन वगैरह लो फाइनेंस ऑप्शन वगैरह देखो क्या किसी ईम आई बनेगी वैसे मैंने वीडियो में अब तक सब कुछ बता दिया तो बस ये सारी बातें दी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप फ्री है आपके लिए तब तक के लिए हेलमेट पहनिए सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित चलिए इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए ट्रैफिक पुलिस में से वो जमत जगड़िए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम